तो भाई जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे ना, जब एयरपोर्ट वाले पूछ रहे थे तुम्हारे पास 10,000 बात है, मगर दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, 1.5 लाख बड़े अकाउंट में। तो भाई जब हम दिन में आए थे ना, तो ये पानी यहाँ तक था, यहाँ तक, अभी इतना पीछे चला गया कि लास्ट एंड तक चला गया। सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये डे सेकंड है प्रॉपरली हमारा फीफी आइलैंड पे। तो मैं दिखा देता हूँ, मैंने जो कल शाम को आप लोगों को वीडियो दिखाई थी, अभी तो ये पानी बिल्कुल यहीं पर है। जब मैंने वो वीडियो दिखाई थी, जो आप लास्ट वाला बोर्ड देख रहे हो ना, सबसे बिल्कुल लास्ट वाला, ये पानी वहाँ तक चला जाता है, ये पूरा खाली हो जाता है यहाँ से। बट ये बोलते हैं बीच उतना अच्छा नहीं है, थोड़ा सा इसका जो पानी है उतना साफ़ नहीं है। बट अभी मैं आप लोगों को कुछ एक सिनेमैटिक शॉट दिखाने वाला हूँ, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो भाई अभी हो गया कुछ एक फ़ोटोशूट, और इस भाई साहब का हो गया कैमरा ख़राब, फ़ोन सॉरी फ़ोन ख़राब, आईफोन था, आईफोन 7 जो कल हमने पूल पार्टी करी उसमें फ़ोटो क्लिक कर करके ख़राब कर दिया इसका कैमरा। भाई इसकी फ़्लाइट है हम दोनों से एक दिन पहले की, तो अब या तो इसको प्रिंट आउट देने पड़ेगा उसकी टिकट का, या फिर हम लोगों को भी इसके साथ आज ही चेकआउट करना पड़ेगा। तो अब हम जा रहे हैं चेकआउट करने के लिए अपने होटल से, एक दिन इसकी वजह से ख़राब हो रहा है, प्लीज़ भाई नोट कर लियो, 2 दिन। तो भाई कोई भी अगर आ रहा है, एक चीज़ बता दूँ, फीफी आइलैंड, पटाया और फुकेत, ये बेस्ट जगह है अगर आप लोग ट्रैवल करना चाहते हो, एंजॉय करना चाहते हो, और कुछ बढ़िया से आइलैंड देखना चाहते हो, या कोई पार्टी या कोई बार ड्रिंक वगैरह करना चाहते हो, तो बैंकॉक में मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कुछ अच्छा हो। बस एक को खिला है जो कि वहाँ के किंग का है, वो ही यहाँ पे तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, आप लोग काफ़ी कम प्राइस में काफ़ी ज़्यादा इन्जॉयमेंट कर सकते हो। हम लोग जा रहे हैं क्योंकि राहुल का फ़ोन ख़राब हो गया है, क्योंकि उसकी टिकट भी उसके फ़ोन में थी, और पहली बार आया था, इसको ड्रॉप भी करके आना है वहाँ तक। हम लोगों ने ओनली फीफी आइलैंड पर 1 डे स्टे किया है। चलो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे कभी तब कर लेंगे ट्राई, बट यहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा। अभी 11 बजे हैं और हालत ख़राब है सीरियसली में। तो ऐसा हुआ है कि हमारे जो कार्ड है ना, वीज़ा कार्ड भी है, मास्टर कार्ड भी है, डिनर क्लब क्रेडिट कार्ड भी है, जो स्टार्टिंग बैंकॉक में आया था तब वहाँ पे काम कर रहा था, फिर एक दो जगह काम नहीं किया, हम लोगों ने पैसे नहीं निकलवाए, सोचा हमारे पास पैसे हैं, है। अब जब बिल्कुल ख़त्म हो गए, अब हमने सोचा कि कुछ पैसे निकलवाते हैं, तो देख रहे हैं हमारे कोई भी कार्ड नहीं चल रहे हैं। संदीप भाई जब से चक्कर काट रहे हैं, समझ नहीं आ रहा क्या करना है। ये राहुल रहा, राहुल बोल रहा खीरे ले आओ, खीरे खाएगा। तो गाइज, अगर कोई भी आ रहा है तो भाई अपने पास एक्स्ट्रा पैसे रखे, इतने पैसे तो रखे कम से कम सेपरेटली, जिसे आपको लगे अरिया आने से पहले अपने कार्ड एक बार कंफर्म कर ले एटीएम कार्ड से या बैंक से कि आप विड्रॉ करा सकते हो, तो ही नहीं, ऐसा नहीं है, हम लोग मैनेज कर लेंगे, इतना तो है हमारे पास कि हम मैनेज कर पाएंगे, स्टे कर लेंगे, क्योंकि हम होटल क्रेडिट कार्ड से बुक कर सकते हैं, नो इश्यू हो जाएगा, और नहीं होगा तो वीडियो में पता चल जाएगा रात कैसे कटेगी। संदीप कोई एक्सपीरियंस कुछ शेयर करना चाहवा, कट गया तू चक्कर भी काट रहा, मेरे समझ नहीं आ रही, दिमाग जब गर्म हो जाए ना चक्कर काट रहा। तू एक काम कर, अभी अभी ना हम लोग एक काम करते हैं, पहले कुछ खाना खाते हैं उसके बाद सोचते हैं क्या करना है, कम से कम पेट भरेंगे जब दिमाग काम करेगा। सही कह रहा हूँ, जो बज रहा है खत्म करके फिर करते हैं कुछ और सोचते हैं।
क्या करना है जब भी दिमाग चलेगा खाना खाने के बाद ही चलेगा ना, अभी दिमाग चल ही नहीं रहा, क्या करना है होगा। वो कहना जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद कर देता है दूसरा खोलता है। संदीप वो कहावत नहीं सुनी तूने, जब ऊपर वाला एक दरवाजा बंद कर देता है तो दूसरा खोलता है। सोच एक दरवाजा और है जो खुल सकता है। ₹100 तेरे पास है तो है, इतना बड़ा होगा तू मतलब भाई ने विदेश में छोड़ जाओगे, दूसरा देश में छोड़ के जाओगे, दूसरा देश में छोड़ के चले जाओगे हमें, मतलब शर्म नहीं आ रही तेरे को? शर्म तो ना नीचे खागड़ में तने पहले ही बोलिया था, या तो तू बता दे तेरा कार्ड लिया या तो मैं करूँ। बोले ना भाई मेरा चलता है, मैं ये कही थी ना ना तूने, मैंने क्या कही थी कार्ड चल रहा है, तू बोलिया कार्ड चल रहा है, चला ना फर्स्ट टाइम जब बैंकों को भी स्वाइप किया चला ना, उसके बाद तेरी लिमिट खत्म। अरे तो एक कार्ड थोड़ी ना यार, तो भाई जब हम एयरपोर्ट से आ रहे थे ना, अरे सुन सुन, जब एयरपोर्ट वाले पूछ रहे थे ना तुम्हारे पास 10,000 बात है, मगर दिक्कत वाली बात तो है ही नहीं, 1.5 लाख बड़े अकाउंट में संदीप भाई। ओह माय गॉड, हम लोग बोल रहे दिक्कत तो आएगी नहीं, 1.5 लाख तो अकाउंट में ट्रांजेक्शन दिखा सकते हैं। अब यहाँ आने के बाद ऐसा हो गया कि पैसे नहीं निकल रहे, देखो ऐसी हालत हो जाती है। ये बेचारा ये भाई बॉडी बिल्डर हुआ करता था, इसका तो पंप ही निकल गया था, बढ़ दी गई है बड़ा, खत्म ही हो गया बच्चा, ऐसा हो गया इतना सा हो गया। संदीप भाई कुछ बोलना किसी व्यूअर्स को, भाई लाइक कर दो वीडियो को, देख एक लाइक के लिए बोल देंगे, कुछ पैसे आ जाएंगे भाई, क्या पता यूट्यूब से कमा ले। संदीप भाई प्लीज यार एक बार कुछ कहना चाहते हो, हमारे बैग यहाँ पे भाई, यहाँ पे रखे मैं तो कहना ये चौबे अपना प्रबंध करके चल लिया करो, किसी के भरोसे मत आया करो। अरे भाई बैंक के भरोसे मत आइयो, जो भी अपना कार्ड आके चेक कर लो और पूरा कैश लेके आओ, और कुछ एक अमाउंट जो अपना है वो अपने सेपरेटली रखा करो पास, जो आपके काम आएगा। हम लोगों ने भी रखा था बट वो खर्च हो गया, वो बात अलग है, हम लोगों को पता चल गया इसने रखे थे पैसे। हम लोग पता 5 दिन से ही कर रहे थे, मैं कह रहा था कि एटीएम से पैसे निकलवा के देखूँ, निकलवा के देखूँ, संदीप कुमार नहीं अभी तो बहुत है, अभी तो बहुत है, अभी इतने हो गए कि बहुत कम हो गए, बहुत से बहुत कम हो गए। मेरा मटकती आराम तो आ रहा है, मजे लेते लेते हैं भाई साहब, 2 किलोमीटर बच रहा है, 100 बात बच जाए 2 किलोमीटर चल लो, हम तो ऐतराज इधर वॉकिंग कर। कोई बात नहीं दिखा ले, तू नहीं देखनी वीडियो तो। तो भाई आप 3 किलोमीटर चलने के बाद हम लोग पहुंच गए हैं अपने पुराने वाले हॉस्टल पे, ये है 7-Eleven यहाँ पे, और यहाँ पे है वो बस स्टॉप जो कि पुकेत का लास्ट बस स्टॉप। मैं लिटरली नहा लिया हूँ पसीने में। संदीप भाई कैसी रही ट्रिप? चुप है, साइलेंट है, मस्त एकदम। हम लोगों ने ना 100 रुपीज़ बता लिए हैं, हम लोगों ने इतना वॉकिंग किया 3 किलोमीटर और कम से कम 1 या 1.5 घंटा हो गया, 1 घंटा तो हो गया ना, हम तो ना यार आधा घंटा ज़्यादा हो गया, ये 1.5 घंटा लगता है, 1 घंटा तो लग जाओगे 3 किलोमीटर में, आपका 10 मिनट का 1 किलोमीटर लगता है, 10 मिनट में 1 किलोमीटर आओ है, तो कोई नहीं 3 किलोमीटर चले हैं, हाँ आधा घंटा पहुँच गए ना, 100-150 रुपये बात बचा लिया ना, ठीक है वार्म अप हो गया। और तो भाई हमने होटल ले लिया, ये हमारा होटल है, तो इसमें बेड मिल रहा है एक सिंगल पर्सन के लिए है, और वहाँ पे है डबल बेड, और ये अलमारी है यहाँ की मैं दिखा दूँ, और इतना चीप प्राइस में मिला है पर ये समझ में नहीं आ रहा। ये टीवी हो गया कुछ इस टाइप का दिखता है, ये संदीप भाई हो गए, ये राहुल भाई हो गए, यह और देखो मैं दिखाऊँ, ये अपना वॉशरूम है, ये बाथरूम है, ओके, और ये हो गया किचन, एक फ्रीजर भी मिला इसमें, फ्रीजर में यार बियर होनी चाहिए थी,
और उसके ऊपर एक कॉफी मेकर। ओके, ये बाथरूम में शावर लेने के लिए। और इस तरफ ये थोड़ा वैसे खुला है कपड़े वपड़े सुखाने के लिए। ओवरऑल काफ़ी डिसेंट है। और कितने प्राइस में मिला संदीप भाई? $36 तकरीबन इंडियन रुपीज में ढाई हजार लगभग है। तो सीधे हो गए 350 मतलब। तो 2500 में अच्छा है ना वैसे? एक नंबर का है ना। 43% और ये है डबल बैग लुक। 43% के लिए तो अच्छा है ना 2500 यार एटलीस्ट। सो गाइस आज की वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ। आज बहुत ज़्यादा घूमे हैं मतलब टोटली फुल टू डेड है। अभी सोएंगे आराम से कुछ खा पी के। और इस भाई का आज लास्ट दिन है राहुल का। कल मॉर्निंग की फ्लाइट है इसकी सीधी दिल्ली के लिए। हम लोग इवनिंग तक और हैं यहाँ पे। तो दैट्स इट गाइस। आई होप यू लाइक टुडेज व्लॉग। एंड अगर पसंद आया तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो। पूरी अपडेट मिल जाएगी आप लोगों को सा हमारे साथ क्या हुआ है आज क्या क्या किया है हम लोगों ने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।